हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SPSD पॉइंट। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल SPSD पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे BSc फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, यानी कि ओल्ड पेपर पर, जो हाल ही में बिहार यूनिवर्सिटी ने करवाया है। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करवाएंगे आज की इस क्लास में, जिनमें हम फर्स्ट सेमेस्टर यानी केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर का डिस्कशन करवाएंगे, जो कि हाल ही में बिहार यूनिवर्सिटी ने करवाया है, यानी DDU यूनिवर्सिटी का ये पेपर है, जिन पर आज हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी MCQ टाइप प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? MCQ टाइप प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन यही है कि सभी लोग MCQ टाइप प्रश्नों को कंप्लीट करते रहें, क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी में भी न्यू सिलेबस लागू हो चुका है। 2021 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके तहत यानी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर करवाया गया है। जो पेपर 2021 में हुआ है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है जिसका हम डिस्कशन आप लोगों को करवाने वाले हैं। वो पेपर BSc फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, जिन पर 100 क्वेश्चन MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। अब आपको देखना है इसमें प्रश्न की प्रकृति, और जो लोग DDU यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं वो लोग अपना आंसर मिलाने का प्रयास करेंगे। सभी लोग अपना आंसर मिला लेंगे कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे पास कमेंट आया था और मैसेज भी आया था कि सर प्लीज़ पेपर को सॉल्व करवा दिया जाए। ठीक है, तो आज हम आप सबके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन। सभी लोग लाइव आ जाइए और सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन पेपर और MCQ टॉपिक वाइज टॉपिक आपका कराया जा रहा है, यानी BSc फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, तो सभी लोगों से सबने निवेदन है प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको PDF प्राप्त होता रहे क्लास का। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम पर SP Study Channel First, वहाँ से आपको ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको PDF तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको वहां से प्राप्त होता रहेगा। दूसरी चीज़, जितने भी गर्ल्स लोग जुड़ी हुई हैं, गर्ल्स लोग, उन लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नंबर आपको दिया गया है। आप लोग कॉल करके एक बार नाम कन्फर्म करवा दीजिएगा, ताकि आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकें। ठीक है, और बॉयज़ के लिए लिंक दिया गया है, आप लोग डायरेक्ट उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आप लोग प्रश्नों की प्रकृति को समझेंगे। एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, ताकि रिएक्शन बैलेंस ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों का समावेशन है, और इसीलिए इन तीनों का समावेशन जो है प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग को आंसर यानी देने के लिए रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा, और कुछ प्रश्नों को नोट भी करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग पेन और एक रफ निकाल लीजिए, और चलिए पहला प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न, रिएक्शन आपको बैलेंस करना है। बताया गया C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH का रिएक्शन आपको बैलेंस करना है, और एक्स की जगह पर क्या आएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है C2H5NH2, तो आप लोग यहाँ पर C2H5NH2 ये आप रिएक्शन बैलेंस करिए, और बैलेंस करके बताइए कि कौन सा उत्पाद बनेगा। चलिए, पहले प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी C2H5 एथिल साइनाइड राइट आंसर हो जाएगा। एथिल साइनाइड को वहाँ पर उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप लोग एथिल साइनाइड रख करके रिएक्शन बैलेंस करिएगा। चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दूसरा नंबर है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या देता है? प्रथम एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न ध्यान देंगे। तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसकी सरसों के तेल जैसी गंध होती है? सरसों के तेल जैसी गंध के लिए आप लोग इसका आंसर करेंगे
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सभी लोग अपने मन से करके और कमेंट बॉक्स में, क्लास के बाद मैं कमेंट बॉक्स सभी का चेक करूंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पूछा गया है कि विच हैज स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों के तेल की गंध किसकी होती है। ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्लास के बाद आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हाइगेंस बर्ग अभिकर्मक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाइगेंस बर्ग अभिकर्मक क्या देता है, तो हाइगेंस बर्ग अभिकर्मक जो होता है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड देता है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फार्मूला होता है C6H5SO2Cl, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C6H5SO2Cl, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाइगेंस बर्ग अभिकर्मक है C6H5SO2Cl, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है CH3 है, यानी CH3+ आयन है। तो याद रखेंगे कि ये क्या है, मेथिल कार्बोकेटायन है। देखिए प्लस चार्ज लगा हुआ है तो मेथिल, ये मेथिल कार्बोकेटायन कहलाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है CH3CH2 में धनावेशित कार्बन का संकरण बताना है। देखिए जो यहाँ पर धनावेशित यानी सी पर प्लस यानी CH2 पर ये जो प्लस चार्ज लगा है तो इसके कार्बन की संकरण अवस्था क्या होगी, तो इसमें sp2 संकरण पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, sp2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है C6H5CHO और NaOH दिया गया है, ये गिब्स साउथ दिया गया है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NaOH दिया गया है। तो आपको C6H5CHO प्लस NaOH से रिएक्शन करना है और XY में बताना है कि XY की जगह पर क्या आएगा। 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग इस उत्पाद को रख देंगे और ये बैलेंस हो जाएगा, यानी C6H5COONaX की जगह पर OI की जगह पर C6H5CH2OH रख देंगे, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 8 नंबर प्रश्न, CH3MgBr को क्या कहा जाता है। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन आपको तब तक 3 बार बचा चुका हूँ, क्योंकि जब भी आपको RMgX दिख जाए तो वो क्या है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, या इसको कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कहेंगे, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहेंगे, क्योंकि एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, RMgX इसका सामान्य सूत्र होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, 9 प्रश्न नंबर 9 दिया गया है IPSC नाम ऑफ CH3CH2CH2 और CH2, इसका जो IPSC नाम हो जाएगा वो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। आप लोग IPSC नाम नामनक्लेचर कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मित्र, अगला जो प्रश्न पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, 10 नंबर, यूरिया का IPSC नाम। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए कि यूरिया का IPSC नाम दरअसल में होता क्या है, क्योंकि इस चीज़ से सभी लोग अवगत होंगे, ठीक है। तो चलिए आंसर करके बताएंगे, चलिए इसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाई एमिनो मेथेनामाइड, यानी IPSC नाम क्या हो जाएगा, डाई एमिनो मेथेनामाइड IPSC नाम हो जाएगा यूरिया का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, एल्डिहाइड ऑक्सीकरण पर क्या देता है। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाए तो हमको एल्कोहल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रजत दर्पण नहीं बनाता है। तो रजत दर्पण के लिए आप ध्यान रखेंगे कि ये रजत दर्पण जो है ग्लूकोज की अभिक्रिया द्वारा, ग्लूकोज द्वारा बनाया जाता है, ग्लूकोज से भी रिएक्शन रजत दर्पण करता है और रजत दर्पण बनाता है। ग्लूकोज का अभिक्रिया अगर रजत दर्पण से करा दिया जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है ग्लूकोज। तो इसलिए देखिए COOH समूह CHO समूह जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन तो राइट हो जाते हैं, ये तीनों बनाता है, लेकिन ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये क्या बनाता है, ये नहीं बनाता, ये दर्पण नहीं बनाता, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं होता वो कौन सा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं होता है, 13 नंबर प्रश्न। तो इसका जो आंसर है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पिक्रिक अम्ल जो है वो क्या करता है, पिक्रिक अम्ल जो होता है वो एसिड वो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं देता है, पिक्रिक अम्ल जो होता है वो क्या करता है, कार्बोक्सिलिक समूह नहीं देता है, यानी राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे,
निम्न में से कौन सा अम्ल व्युत्पन्न नहीं है, सभी लोग इसको बताएंगे। 14 नंबर प्रश्न, सभी लोग का मैं कमेंट चेक करूंगा और सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न नहीं है, व्युत्पन्न नहीं है आपको बताना है, ठीक है। दिया गया है क्वेश्चन, एक बार इंग्लिश में समझ लेते हैं। विच वन इज नॉट एसिड डेरिवेटिव, यानी एसिड डेरिवेटिव इनमें से कौन नहीं है, एस्टर, एसिड क्लोराइड, ईथर और एसिड एनहाइड्राइड, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अम्ल जो है वो डेरिवेटिव अम्ल नहीं है। आप चलिए 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया CH3COCO3 एनहाइड्राइड है, यानी किस अम्ल का एनहाइड्राइड है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH का एनहाइड्राइड अम्ल है, यानी इस अम्ल का एनहाइड्राइड है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, सभी लोग आंसर करते रहेंगे। देखिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया, सिरका एस्टिक अम्ल का तनुविलयन, एस्टिक अम्ल का तनुविलयन क्या कहलाता है, तो यानी डाल्ट सोल्यूशन ऑफ एस्टिक, तो सिरका क्या है, एस्टिक अम्ल का तनुविलयन है, सिरका क्या है, एस्टिक अम्ल का तनुविलयन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पढ़ेंगे, हाफ मान अभिकर्मक पूछा गया है, तो हाफ मान अभिकर्मक आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CH3CONH2 जो होता है वो हाफ मान अभिकर्मक है, हाफ मान अभिकर्मक है। 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा C2H5NH+ का संयुग्मी क्षार है, तो संयुग्मी क्षार आपको बताना है, तो ये हो जाएगा, ये संयुग्मी क्षार हो जाएगा C2H5NH3 और OH का, ये क्या हो जाएगा, संयुग्मी क्षार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, आपको रिएक्शन बैलेंस करना है, एक्स की जगह पर हम क्या रख दें कि ये रिएक्शन संतुलित हो जाए, और एक्स पूछा गया है कि एक्स क्या होगा, 19 नंबर प्रश्न, तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH3CH2CONH2 अगर हम एक्स की जगह पर रख देते हैं तो हमारा ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देता है, देखिए परीक्षण नहीं देता है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कार्बिल एमीन नहीं देता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आप लोग करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का आप क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर प्रश्न का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3CH2NH2, ये अगर आप रख देते हैं, यानी कि ये कार्बन एमीन परीक्षण नहीं देता है, यानी क्या C2H5 दिया गया है, C2H5NH2 कार्बन एमीन परीक्षण नहीं देता। देखिए ये C2H5NH2 तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए ये परीक्षण नहीं देता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी ये जो है ये नहीं देता, कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं, 21 नंबर प्रश्न पूछा गया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, मैंने इस चीज़ का, इस प्रश्न का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसलिए सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का आंसर क्या हो जाएगा। अभी मैंने तीसरे नंबर प्रश्न में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। चलिए 22 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं, दिया गया है एसिटिलीन एस्टिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करके क्या देता है, अगर हम एसिटिलीन का एनिलीन के साथ एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करा दें, यानी अगर हम एनिलीन को एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो हमें क्या देता है, तो वो हमें देता है एसीटामाइड, क्या प्राप्त होता है, हमें एसीटामाइड प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला पढ़ेंगे, एस्पिरिन पूछा गया, तो एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन एक दवा है, क्या है, एक दवा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी ए ड्रग, एस्पिरिन इज ए ड्रग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यूरिया, देखिए यूरिया का ये दूसरा प्रश्न है और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से भी दो प्रश्न पूछे गए, तो यूरिया से ये दूसरा प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत बताना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, तो यूरिया का परसेंटेज जो होता है, यूरिया में जो नाइट्रोजन का परसेंट होता है वो 46% होता है, यानी कितना होता है 46%, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। अब आपको 25 नंबर प्रश्न सॉल्व करना है, देखिए आपको रिएक्शन बैलेंस करना है, सभी लोग एक कॉपी पेन लेकर अगर बैठे हैं तो प्लीज़ इसको नोट करिए और इसका आंसर आप लोग करिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस करके बताएंगे 25 नंबर प्रश्न। सभी लोगों, सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप सभी लोग
एक बार कॉपी में लिख करके ही बैलेंस करिए। रिएक्शन बैलेंस ही बहुत दिक्कत करती है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न अगर होंगे तो आपको एग्ज़ाम में ये मानकर चलिए कि 10 प्रश्न रिएक्शन बैलेंस करना होगा। तो रिएक्शन बैलेंस ही आप लोग बराबर करते रहिए, IPSC नामन क्लेचर भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग आप लोग से निवेदन है कि सभी लोग आप लोग बराबर जो है MCQ प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए, और बुक्स अगर परचेज कर लिए हो तो बुक्स को रीड करते रहिए, ठीक है। सेंटम पब्लिकेशन का बुक का जो PDF है जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा देंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। चलिए अब आंसर करेंगे 25 नंबर का। 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH3NH2। अगर हम X की जगह पर CH3NH2 रख देते हैं तो ये रिएक्शन संतुलित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे, उसको भी आपको रिएक्शन ही बैलेंस करना है। रिएक्शन बैलेंस करना CH3COCH4। एक्स की जगह पर हम क्या रख दें कि यहाँ पर रिएक्शन ये संतुलित हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 26 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे, 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी CH3CONH2 यहाँ पर हम रख देंगे तो ये रिएक्शन संतुलित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, जिनका पेपर हाल ही में कराया गया है, तो उनकी जो है आंसर की दी गई है। सभी लोग जितने भी लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो सभी लोग जितने भी क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन को आप करते रहिए और नोट करते रहिए कि मैंने कितना प्रश्न किया। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से सभी लोगों ने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। सभी लोग कमेंट में उसका आंसर करेंगे क्लास के बाद। चलिए ध्यान देंगे 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न दिया गया, दी गई अभिक्रिया, दी गई अभिक्रिया में ए और बी, ए दिया गया और बी दिया गया, तो बी जो दिया गया है बी, बी उत्पाद क्या होगा? बी उत्पाद आपको बताना है 27 नंबर प्रश्न का। तो 27 नंबर प्रश्न में अगर हम ऑप्शन नंबर बी को रख देते हैं तो ये संतुलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब बताना है ड्यूमा विधि से कौन सा प्रयुक्त होता है? विच वन इज यूज इन ड्यूमा मेथड्स, विच वन इज यूज इन ड्यूमा मेथड, तो नाइट्रोजन इज द राइट आंसर, यानी नाइट्रोजन जो है ड्यूमा विधि में नाइट्रोजन का प्रयुक्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीयक एल्कोहल का विभेद किस परीक्षण द्वारा करते हैं? तो इसका परीक्षण जो होता है, एल्कोहल का परीक्षण जो होता है, वो दो विधि से करते हैं, कई विधियों से किया जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो पहला है विक्टर मेयर, क्या है विक्टर मेयर मेथड, और दूसरा है लुकास अभिकर्मक के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या मिल गया आपको? ऑप्शन नंबर बी मिल गया, विक्टर मेयर मेथड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का विभेद हम विक्टर मेयर मेथड से करते हैं, ठीक है। यानी ये आप फेरिंग विलयन से नहीं होता, हाफमैन विधि से और बालसन विधि से नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, लुकास अभिकर्मक का उपयोग करके निम्न में से किससे विभेद करोगे आप? 30 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद हम किससे करेंगे? लुकास अभिकर्मक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए ग्रिसराल पूछा गया है, तो ग्रिसराल क्या है? तो ग्रिसराल जो है वो क्या है? वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, क्या है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, यूरिया का उपयोग, तीसरा प्रश्न है यूरिया से रिलेटेड, ये पूछा गया यूरिया का उपयोग किसमें होता है? तो यूरिया का उपयोग जो फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसका आंसर जो भी आंसर है इसकी आंसर शीट करवा लें, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है कि यूनिवर्सिटी उसका आंसर क्या देता है, ठीक है। तो इस चीज़ से अगर आपको आंसर थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन का डिफरेंट मिलता है तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और ये पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं 2021 का फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर, जो हाल ही में बिहार यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया है। आपको प्रश्नों की प्रकृति से अवगत होना था और आप लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए 33 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, रिएक्शन बैलेंस करना है। मैंने आप सबको पहले ही बता दिया कि रिएक्शन बैलेंस ही मित्र आपके 10 से 15 क्वेश्चन रिएक्शन बैलेंस ही के मिलेंगे, ठीक है। तो सभी लोग रिएक्शन बैलेंस करना अच्छे से समझ जाइए, और IPSC नामन क्लेचर भी, देखिए इन सब के लिए IPSC इन सब को मैं आसानी से आप सबको ट्रिक के द्वारा आप लोग को बता देंगे, ताकि आप सभी को IPSC नामन क्लेचर में भी दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़, आपको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर टॉपिक है वो है फार्मूला।
फार्मूला जो है, जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा आप रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला आप लोग रटने का प्रयास करेंगे। 33 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे, इसको बैलेंस करना है एक्स और वाई पर क्या उपयोग किया जाता है, एक्स वाई के रूप में हमें क्या यहाँ पर रखा जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी CH3COONaCO2 को हम एक्स और वाई की जगह पर रख देंगे, यानी एक्स की जगह पर रखेंगे CH3CONa और वाई की जगह पर रखेंगे CO2 गैस के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 नंबर प्रश्न दिया गया है, कौन कार्बन धात्विक यौगिक नहीं है। तो कार्बन धात्विक यौगिक के लिए सभी लोग ध्यान रखेंगे LiZnNa ये दिया गया है, ये तीनों मेटल से संबंधित हैं, और जो CD दिया गया है कार्बन धात्विक यौगिक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न दिया गया 35 नंबर पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक विच इज वन अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड 35 नंबर प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिनेमिक एसिड क्या हो जाएगा, असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 35 का बी सही है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या है। देखिए जितने भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं तो एक ही टॉपिक से तीन चार प्रश्न लगातार पूछे गए। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से ये दूसरा प्रश्न है पूछा गया है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं आपको बता रहा है 36 नंबर प्रश्न का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, इथीन और एथाइन जो हैं ये असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं। यही राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर डी बी और सी। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया है ग्लिसराल रिएक्ट विथ कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेट H2SO4। अगर हम ग्लिसराल को सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है आपको बताना है, 37 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इसका आंसर आप लोग एक बार क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करके और इसका आंसर करेंगे 37 नंबर प्रश्न, यानी आपको तीन प्रश्न मिल चुके हैं, आपको तीन प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है 37 नंबर प्रश्न का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में करना है क्लास के बाद। ठीक है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले करके तुरंत इसको आप रख लीजिए और क्लास के बाद मैं सभी का आंसर चेक करूँगा कि क्या आंसर आप लोग को आता है 37 नंबर प्रश्न का। अगला पर ध्यान देंगे, दिया गया 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डोल संघनन यानी विच इज वन गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन, यानी इनमें से कौन एल्डोल कंडेंसेशन देता है। 38 नंबर प्रश्न, तो एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वो देता है CH3CH2CHO, ये एल्डोल कंडेंसेशन देता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 38 नंबर का बी सही है। अगला 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 39 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, कौन सा आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, यानी विच वन डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, इनमें से आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा नहीं देता है आपको बताना है 39 नंबर प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल जो होता है वो क्या आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा 39 नंबर का। चलिए सभी लोग से निवेदन है एक बार, अगर नए हैं आप चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कोऑपरेट करने का आप लोग प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ आप सबके लिए, जितना भी मैं अपनी तरफ से हो सकता है आप लोग की मदद कर रहा हूँ, बस आप लोग का जो कर्तव्य बनता है प्लीज़ आप लोग अपना कर्तव्य जरूर निभाइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए ध्यान देंगे, 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड तथा कीटोन से अभिक्रिया करता है। दोस्तों अब आप प्रश्न देखिए, प्रश्न कितने टिपिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसमें कोई भी हार्ड नहीं, ये मानकर चलिए कि प्रश्न की प्रकृति बहुत ही नाजुक है, यानी बहुत ही सरल अभिक्रिया पूछी गई है, सरल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है एक ही टॉपिक से तीन तीन चार प्रश्न दे दिए गए हैं, तो इसलिए आप लोग प्रश्न की प्रकृति से अवगत हो रहे होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो अगर इनका औसत निकाला जाए, इनका अगर हम 40 प्रश्न को सॉल्व किए हैं और इनको अगर हम इनका औसत निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अभी तक क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। ठीक है और उसमें आपके लगभग 10 प्रश्न आपको रिएक्शन बैलेंसी से मिल चुके हैं, तो इसलिए रिएक्शन बैलेंसी जो होता है वो बहुत मेजर टॉपिक बन जाएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है तो आप लोग रिएक्शन बैलेंसी के लिए फार्मूला और रिएक्शन को बैलेंस करिए। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है, विच वन रिएक्ट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी इनमें से कौन एल्डिहाइड तथा कीटोन से अभिक्रिया करता है। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका आंसर सिंपल सा है, ये नेमिंग रिएक्शन से संबंधित है। और ये नेमिंग रिएक्शन का हम एक वीडियो आपको पूरा वीडियो जितना भी नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सबको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। जल्द ही नेमिंग रिएक्शन का जैसे ही ऑब्जेक्टिव आप लोग का ख़त्म हो जाए एक बार फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके बाद में टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आपकी क्लास चले और आपको करवा दिया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों का एग्ज़ाम जो है हाल ही में लगा हुआ है उनको दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहा था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाए फिर आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर देंगे। चलिए 40 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, टालन अभिकर्मक के द्वारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी का सही हो जाएगा। अब देखिए नेमिंग रिएक्शन एक चौथा नेमिंग रिएक्शन है, चार क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शन से पूछा गया, 41 नंबर प्रश्न पूछा गया। कैनिजारो अभिक्रिया यह नहीं देती है, यानी कैनिजारो अभिक्रिया जो होती है वो नहीं देती है, वो कौन सा उत्पाद नहीं देती है आपको बताना है। कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो रिएक्शन डज नॉट गिव, तो क्या नहीं देता है 41 नंबर प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का। सही लोग जल्दी से आंसर करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CH3 और CHO ये रिएक्शन नहीं देती है, कैनिजारो अभिक्रिया ये उत्पाद नहीं बनाती है, और बल्कि ये तीनों अभिक्रियाएं कैनिजारो अभिक्रिया में आपको प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो सभी लोग इस चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए ऑप्शन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देती है। चलिए ध्यान देंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न, बेयर अभिकर्मक के परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है, बेयर अभिकर्मक के परीक्षण के लिए किसका प्रयुक्त होता है, तो बेयर अभिकर्मक के लिए परीक्षण में किसका, असंतृप्तता अनसेचुरेशन, बेयर सरेजन इज यूज फॉर टेस्टिंग अनसेचुरेशन, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ए नंबर। अब 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, 43 नंबर प्रश्न पूछा गया असंतृप्त एल्डिहाइड है, असंतृप्त एल्डिहाइड पूछा गया है, तो असंतृप्त एल्डिहाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, होते हैं सिनेमैलिक एल्डिहाइड, सिनेमैलिक एल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बढ़ेंगे अगला प्रश्न, अगला देखिए आयल ऑफ विंटर ग्रीन, आयल ऑफ विंटर ग्रीन पूछा गया है 44 नंबर प्रश्न, ये क्या है, तो ये एक एस्टर है, क्या है एक एस्टर है, आयल ऑफ विंटर ग्रीन क्या है एक एस्टर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न आप लोग बताएंगे, सी दिया गया है डबल बॉन्ड सी और एच, और एच इसमें दिया गया है ए का कोण, यहाँ पर जो कोण बनेगा यानी एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा आपको बताना है, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि कितने डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, ऑप्शन नंबर देखिए डी के पास, यहाँ पर जो सी दिया गया सी डबल बॉन्ड सी और एच और एच, अब आपको जो बताना है यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का 120 डिग्री का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आप पढ़ेंगे आगे 46 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, 46 नंबर प्रश्न पूछा गया एथिलीन के कार्बन की संकरण अवस्था क्या है, एथिलीन में कार्बन के संकरण की अवस्था पूछी गई 46 नंबर प्रश्न, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन में जो कार्बन की संकरण अवस्था होती है वो क्या होती है SP होती है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न दिया गया है 47 नंबर प्रश्न दिया गया है विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, यानी कौन सा मुक्त मूलक अधिक अस्थायी दिया गया है, पूछा गया है कि कौन सा मुक्त मूलक अधिक अस्थायी है प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक, आपको बताना है 47 नंबर प्रश्न का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तृतीयक, तृतीयक जो होता है तृतीयक वो क्या होता है वो मुक्त मूलक अस्थायी रूप से मुक्त मूलक देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 47 नंबर का। 48 नंबर प्रश्न हल करेंगे, एल्कोहल के दिया गया है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएट्स, तो आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्री रेडिकल, यानी मुक्त मूलक अभिक्रिया में, मुक्त मूलक अभिक्रिया अभी मैंने आप लोगों को कल की क्लास में आपको बताया था, तो इसलिए मुक्त मूलक अभिक्रिया को आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, एक बार जो पिछली वीडियो है उनको देख लीजिए। देखिए उस आपके जो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री हैं उनसे आपके प्रश्नों की प्रकृति मिल रही है, और कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको प्रश्न में मिल चुके हैं, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे और बताया गया है एल्कोहल के निर्जलीकरण में कौन सा माध्यमिक बनता है,
तो उसमें क्या बनता है, मुक्त मूलक बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, थायो ईथर पूछा गया है। थायो ईथर 49 नंबर क्या पूछा गया, थायो ईथर है 49 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो थायो ईथर का फार्मूला होता है RSH। क्या होता है, RSH। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, थायो ईथर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, RSH। चलिए अब अगला प्रश्न है, एस्पिरिन का प्रयोग किसका होता है। तो एस्पिरिन का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में होता है, ठीक है। एस्पिरिन जो है वो दर्द निवारक के रूप में प्रयुक्त होती है। इस समय दर्द निवारक के रूप में एस्पिरिन का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 50 नंबर प्रश्न का, ठीक है दोस्तों। चलिए अब 50 नंबर प्रश्न, 50 क्वेश्चन आप लोग हल कर चुके हैं, तो प्रश्न आप लोग नोट करते रहिएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आप लोगों ने किया है, क्योंकि आपको कमेंट के लास्ट, क्लास के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है क्लास के बाद कि सभी लोगों ने कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, ताकि उसके आधार पर ये पता चल सके कि जो पेपर था वो हार्ड था या भी थोड़ा सा नॉर्मल आप लोगों के हैं, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे। अब आ गया आपको 51 नंबर प्रश्न। अब आपको क्या मिलेंगे यहाँ से, फिजिकल केमिस्ट्री, जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हुआ करती थी ना, अब उसके प्रश्न आपको मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि क्रिस्टल एंगल फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल एंगल फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम यानी घनाभ क्रिस्टल निकाय के लिए क्रिस्टल कोण कितना होता है। तो इसका जो कोण होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 19 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले पर। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, 52 नंबर पर पूछा गया है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीटिंग ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय, मतलब अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप पर प्रभाव व्यक्त करता है, अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तो ये किसके कारण होता है। तो ये जूल थॉम्सन इफेक्ट के द्वारा होता है, या फिर किरचॉफ्स इक्वेशन के द्वारा होता है, या गबिज हैमिल्टन इक्वेशन के द्वारा होता है, या क्लासियस क्लैपेरान इक्वेशन के द्वारा होता है। 52 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे, जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा क्लासियस क्लैपेरान इक्वेशन, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर का प्रश्न, 52 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया क्रिस्टल निकाय एवं बेवरेज जातक की संख्या क्या होगी, क्रिस्टल निकाय और बेवरेज जातक की संख्या। 53 नंबर प्रश्न इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 और 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 और 7 बेवरेज जातक की संख्या, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया, मिलर इंडिसेस ऑफ क्रिस्टल प्लेन विच कट थ्रू द क्रिस्टल एंगल ए इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइट आर, तो इसका मान क्या होगा आपको बताना है। 54 नंबर प्रश्न का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 100 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पूछा गया है 53 नंबर प्रश्न दिया गया है, द बेसिस इंडेक्स ऑफ द प्लेन आर 1, 1/2, 1/2, व्हाट आर मिलर इंडेसेस, में मिलर इंडेसेस का मान आप लोग को बताना है कि इसमें मिलर इंडेसेस का मान कितना होगा। दिया गया है किसी तल के लिए, किसी तल के लिए 20 साकेत है, दिया गया है 1, 1/2, 1/2 मिलर संकेत पे क्या होंगे। देखिए 55 नंबर प्रश्न का आंसर करना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 2, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग आंसर मिला लीजिएगा, आपका 55 नंबर का बी नंबर सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 56 नंबर प्रश्न, 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि थायो यूरिया में क्या प्रयुक्त होता है। 56 नंबर प्रश्न में पूछा गया है थायो यूरिया में, तो थायो यूरिया में कार्बन भी प्रयुक्त होता है, नाइट्रोजन भी, सल्फर भी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बोथ कार्बन इन CH डबल बॉन्ड CH, इसमें आपको बताना है संकरण, कार्बन के संकरण की अवस्था। तो इसमें कार्बन के संकरण की अवस्था कितनी पाई जाएगी, SpSp पाई जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे 58 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सा दुर्बलतम बंध है। तो सभी दुर्बलतम बंध कौन सा होता है, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से कमेंट करिए। 58 नंबर प्रश्न का इसका सबसे दुर्बलतम बंध जो होता है वो आयनिक बंध होता है। क्या होता है, आयनिक बंध जो होता है वो सबसे दुर्बलतम बंध होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए जान देंगे अगले प्रश्न पर, दिया गया किसी आबंध वियोजन ऊर्जा अत्यधिक होती है, विच वन इज द हाइएस्ट बॉन्ड इंस्टॉलेशन एनर्जी। तो आपको बताना है कि किसके पास जो होता है वो आबंध वियोजन ऊर्जा सबसे अधिक होगी, यानी किस बॉन्ड के पास।
59 नंबर प्रश्न, तो ये सी सिंगल बॉन्ड सी यानी कार्बन सिंगल सी सिंगल बॉन्ड सी के पास जो होता है वह आबंध वियोजन ऊर्जा सर्वाधिक होगी, यानी राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, 59 नंबर का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 60 नंबर प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल में जो है वो कोण कितना होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इसका जो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 6 मिनट होता है, लेकिन इसमें 28 दिया गया है तो यहाँ पर 6 दिया नहीं गया है, तो इसलिए हम इस आधार पर दोनों को आंसर कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पर कि वो आंसर इसका क्या सही करती है। वैसे तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलेंगे अगले प्रश्न पर, 61 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अतिसंयुग्मन को क्या कहा जाता है, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रिजोरेंस, जो अतिसंयुग्मन जो है उसको हम आबंधहीन अनुनाद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आबंधहीन अनुनाद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगले आगे बढ़ेंगे, 62 नंबर प्रश्न पूछा गया है उत्क्रमण ताप पर जूल थॉम्सन गुणांक है, उत्क्रमण ताप पर जूल थॉम्सन गुणांक क्या है, 62 नंबर प्रश्न, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न दिया गया, मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फार्मूला पूछा गया है, ऊष्मागतिकी का प्रथम गणितीय सूत्र आपको बताना है, 63 नंबर प्रश्न, तो 63 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा, 63 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डेल एच इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ेंगे आगे प्रश्न पर, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, थोड़ा सा लाइक करने में आपको दिक्कत आ रही है, आप लोग सभी लोग जितने भी लोग वीडियो को वॉच करते हैं प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करिए मित्र, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे आप लोग, चलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो कभी तो आपके लिए हम क्लास अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आएंगे, तभी तो आपके लिए जो प्रश्नों की प्रकृति है आपको अवगत कराना है, आपके फिजिक्स का पेपर सॉल्व कराना है, उसके बाद में आपके एमसीक्यू कराना है, आपको प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाना है, तो इन सब के लिए आप लोग चैनल से थोड़ा सा ज्वाइन करिए ताकि हमें भी थोड़ा सा कोऑपरेट हो सके मित्र, ठीक है। चलिए आप लोग से आशा है और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ज़रूर जो भी आपका कर्तव्य बनता है वो आप लोग ज़रूर निभाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर आप लोग करने का प्रयास करिएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न दिया गया है कि विच वन इज नॉट स्टेट फंक्शन, यानी कि इनमें से स्थितिज फलन नहीं है, स्थितिज फलन आपको बताना है इनमें से कौन नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए जो है स्थितिज फलन नहीं है, ठीक है, और ये तीनों क्या है, स्थितिज फलन से संबंधित है, डी नंबर नहीं संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, आदर्श गैस के लिए म्यू जे टी का मान बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65 नंबर प्रश्न का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे प्रश्न पूछा गया, आदर्श गैस के उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार में कृतकार है, यानी वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस, वर्क डन फॉर ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज, तो इसका मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 66 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेल यू इज द राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि यौगिक जिनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी नकारात्मक होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है कि यौगिक जिनकी फॉर्मेशन यानी कि द कंपाउंड विच हैव नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ द फॉर्मेशन आर कॉल्ड, तो क्या कहलाती हैं, 67 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग, 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊष्मा छेपी, क्या कहलाती है, ऊष्मा छेपी कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान देंगे 68 नंबर प्रश्न पूछा गया, अभिक्रिया वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर इज गिवन बाई, यानी कि अभिक्रिया के एंथैल्पी का तापमान के साथ परिवर्तन व्यक्त करता है, 68 नंबर प्रश्न आप लोग आंसर करेंगे, 68 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किरचॉफ समीकरण, क्या व्यक्त करता है, किरचॉफ समीकरण जो है वो अभिक्रिया की एंथैल्पी का तापमान के साथ परिवर्तन व्यक्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है कि दहन ऊष्मा के लिए
दहन ऊष्मा के निर्धारण के लिए प्रयुक्त होने वाला कैलोरीमीटर है, यानी कि द कैलोरीमीटर यूज फॉर डिटरमाइनिंग एंथैल्पीज ऑफ कंबस्टन इज नोन एज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बॉम्ब कैलोरीमीटर इज द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको प्रश्न की प्रकृति को समझता है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया। देखिए 70 नंबर प्रश्न पूछा गया है, घनाभ क्रिस्टल निकाय के लिए एकल प्रतिकोण का मापक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी द राइट आंसर। दोस्तों आपको हमारे लगभग 10 से 20 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से मिलेंगे जो मैंने आपको क्लास पढ़ाई है, जो केमिस्ट्री की क्लास मैंने पढ़ा चुका हूँ, मतलब ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है आपको फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की क्लास, जिनमें 10 क्लास आपकी हो चुकी। उन 10 क्लासों में से अभी आपका चौथा चैप्टर, यानी 4 चैप्टर से कुल मिलाकर एमसीक्यू कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। उनमें से आपको 20 प्रश्न मिलेंगे इस आज के इस प्रीवियस ईयर पेपर में, जो बिहार यूनिवर्सिटी द्वारा पेपर कराया गया है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हमारा क्लास कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग क्लास रेगुलर करिए, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि डी ब्रॉगली समीकरण है, इसमें से आपको बताना है डी ब्रॉगली समीकरण, ठीक है। तो आंसर आप लोग क्या करेंगे, 71 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ब्रॉगली समीकरण, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी द राइट आंसर। इन डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रयोग द्वारा सत्यापित की गई थी, यानी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाई। तो ये किया गया था डिवीजन एंड गर्मर के द्वारा, मतलब डिवीजन और जर्मर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है कि हाइगेंस बर्ग सिद्धांत संबंधित है, हाइगेंस बर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो हाइगेंस बर्ग का सिद्धांत अनिश्चितता से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी सभी मित्रों, आप सभी लोग जिसका किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पता है, देखिए ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, यानी इसी टाइप का प्रश्न पेपर प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, यानी कि 100 नंबर यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग प्रश्न की प्रकृति से, पेपर पैटर्न से अवगत हो गए होंगे। हाल ही में बिहार यूनिवर्सिटी ने अपना पेपर क्या करवाया है, एमसीक्यू मोड में ही करवाया है, लेकिन क्या उनके यहाँ पर न्यू सिलेबस लागू हो चुका है, ठीक है। तो सभी लोग आप ये समझ लीजिए कि आपका भी प्रश्न जो है यूपी से जितने भी कॉलेज हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर आप में न्यू सिलेबस अप्लाई हो गया है तो आपको ये मानकर चलिए, अगर ओल्ड सिलेबस है तब भी और न्यू सिलेबस है तब भी, तो आपका अगर पुराना सिलेबस ही है तब तो आपका ऑब्जेक्टिव होना ही होना है, लेकिन अगर न्यू सिलेबस आप में लग गया है तो आप ये मानकर चलिए 80% आशा है कि आपका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव मोड में कराया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाल ही में अभी नोटिफिकेशन आया है कि 10th और 12th का पेपर भी अब क्या होगा, एमसीक्यू मोड में कराया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आप एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए डेली। आपको पता है कि आपकी क्लास होती है डेली रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री क्लास होती है, और फिजिक्स की क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया है हमने, और अब आपको शाम को 4 बजे फिजिक्स की क्लास मिलेगी, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर शाम के टाइम पर 4 बजे की क्लास कर दीजिए, तो उससे उन्हीं सबके आधार पर 4 बजे कर दिया गया है, ठीक है। तो आपकी केमिस्ट्री की जो फिजिक्स की क्लास होगी वो 4 बजे होगी, और जो आपकी केमिस्ट्री की क्लास है तो अपने टाइम पर यानी रोज़ रात 8 बजे ही होगी। चलिए सॉल्व करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है हाइगेंस बर्ग सिद्धांत का गणितीय सूत्र पूछा गया है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हाइगेंस बर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका आंसर क्या हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न पूछा गया आदर्श गैस के उत्क्रमणीय रुद्धोष प्रसार में कृत्य कार्य पूछा गया है, द वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस का वर्क डन पूछा गया है, तो इसका वर्क डन क्या होगा, इसका 75 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी बी डेल्टी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा सही संबंध है, इनमें से कौन सा सही संबंध दर्शाता है, तो आपको इसका सही संबंध बताना है 76 नंबर प्रश्न में, ठीक है।
तो ये गैस नियतांक के आइडियल गैस से संबंधित है। तो आइडियल गैस से संबंधित जितने भी नियतांक हैं उन सभी को आप लोग आंसर करके बताएंगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए 77 नंबर पर ध्यान देंगे। पूछा गया है गैस नियतांक आर का मान क्या है, गैस नियतांक आर का मान, ठीक है, तो उसका आंसर आप लोग क्या करेंगे जल्दी से बताइए 77 नंबर पर इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8.314 जूल कूलम, मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, 78 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एक रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कब कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी तब कहलाएगी जब ऊष्मा का क्या होगा, ऊष्मा का क्षेपण होगा, ऊष्मा का शोषण नहीं होगा, ऊष्मा का क्षेपण होगा, यानी कि ये तीनों गलत हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 79 नंबर कि नियत ताप पर संपन्न होने वाली अवशोषी अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाला सैंबल है, यानी इन द इंडियोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, इसका आंसर 79 नंबर प्रश्न का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेल एच इक्वल टू जीरो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया 80 नंबर प्रश्न एक घनाभ क्रिस्टल का निकाय, यानी एग्जांपल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के ये तीनों एग्जाम्पल जो है उदाहरण है, यानी सी एल वी प्रयोग किया जाता है, KCl भी और हीरा भी, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है चतुष्फलीय होल के लिए सीमित त्रिज्यीय अनुपात क्या है, यानी कि द लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ द टेट्राहेड्रल होल इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.414 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 82 नंबर प्रश्न है द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉलेट पर एटम इन द क्रिस्टल लाइटिक, यानी क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय वार्ड की संख्या क्या होगी, अष्टफलकीय आपको बताना है 82 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न भी पूछा गया क्रिस्टल जालक में प्रति एकांक परमाणु चतुष्फलीय वार्ड की संख्या, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 83 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एक होगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ऑफ द सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल में पूछा गया, यानी सरल घनाभ प्रकोष्ठ में पूछा गया प्रति एकांक परमाणुओं की संख्या, तो इसमें आपको बताना है 84 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 84 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक होगा, ठीक है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप सभी लोग देखिए इसमें से दो प्रश्न ऐसे हैं, मतलब कि 83 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा डाउट आ रहा है इसका प्रश्न इस प्रश्न में, तो अगर आपका इसको सही आंसर पता चलता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। वैसे थोड़ा सा इसमें डाउट है क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या मतलब क्या आंसर से निकालती है, क्या आंसर मानती है, वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जहाँ तक है कि इसका आंसर 1 होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैंने 1 आपको बताया है और आप प्रयास करिएगा। वैसे 100% ये सही होना चाहिए, लेकिन अगर 10% आसान नहीं किया जा सकता, हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, ठीक है, तो क्वेश्चन या तो क्वेश्चन गलत होगा या तो आंसर शीट में थोड़ा सा चेंजेस दिक्कत होगी, क्योंकि 2, 3, 4 तो हो नहीं सकता, उसमें 0 पॉइंट करके आता है, ठीक है, तो इसका आंसर इसलिए थोड़ा सा संदिग्ध है। तो आप लोगों को अगर पता होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 84 नंबर पर ध्यान देंगे, पूछा गया था द सरल घनाभ में प्रति इकाई में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, तो उसमें परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, एक ही होती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 84 नंबर का। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखिए कि क्या पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि NH3 जो है वो क्या है, वो न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक है या दोनों है। तो NH3 जो है वो नाभ स्निकीय मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 85 नंबर का। अगला प्रश्न दिया गया है एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के उदाहरण, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन भी है, एलिमिनेशन है, यानी ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है, तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये लोग आप लोगों को पता ही होगा प्राथमिक एल्कोहल के बारे में, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग बताइएगा प्राथमिक एल्कोहल 87 नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए
88 नंबर पर पूछा गया है कौन सा नाइट्रोजन यौगिक नहीं है, तो नाइट्रोजन यौगिक जो है यूरिया नहीं है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है लेकिन वो नाइट्रोजन यौगिक नहीं होता है, वो एक क्या होता है कार्बनिक यौगिक होता है, यानी रासायनिक यौगिक होता है, वो एक रासायनिक यौगिक होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्विक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो द्विक कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए एसिटिक अम्ल हो नहीं सकता, फार्मिक अम्ल हो नहीं सकता, साइट्रिक अम्ल हो नहीं सकता, तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है ऑक्जेलिक एसिड, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी द्विक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है ऑक्जेलिक एसिड है। चलिए अब अगला प्रश्न है HCHO का IUPAC नाम, यानी कि HCHO का IUPAC नाम क्या होगा फार्मेल्डिहाइड होगा, क्या होगा फार्मेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 91 नंबर प्रश्न पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया CP एंड CB में संबंध, तो CP और CB में संबंध क्या होगा, तो ये हो जाएगा CP माइनस CB इक्वल टू R, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 91 नंबर प्रश्न का। 92 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा प्लैंक क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि पूछा गया है विच वन इज द कंस्ट्रक्टेड ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी आप लोग बताएंगे कि 92 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी का आंसर क्या होगा। ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है, ठीक है, हाइगेंस बोर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आप लोगों को बता दिया गया है, तो आप इसका आंसर करेंगे 92 नंबर का प्रश्न आप आंसर बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किरचॉफ समीकरण पूछा गया किरचॉफ समीकरण, तो किरचॉफ समीकरण क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी किरचॉफ समीकरण से संबंधित है, ठीक है, यही यानी कि किरचॉफ समीकरण यही व्यक्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न का। 94 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जूल थॉमसन गुणांक क्या है, मित्र जूल थॉमसन गुणांक, तो आप लोग याद रखेंगे जूल थॉमसन गुणांक का सही फार्मूला हो जाएगा UJT मतलब UJT इक्वल टू 2A/RB, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है कि द टेम्परेचर एट विच जूल थॉमसन कॉफिशियंट चेंजेड साइन इज कॉल्ड, यानी जिस ताप पर जूल थॉमसन गुणांक का परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है जल्दी से आप बताइए। 95 नंबर प्रश्न का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेल्टा ताप कहा जाता है, डेल्टा ताप कहा जाता है यानी डेल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या है कार्बोनिल कार्बन की संकरण संख्या क्या है, कार्बोनिल कार्बन की संकरण संख्या, तो कार्बोनिल कार्बन की संकरण कितना हो जाएगी SP हो जाएगी, कार्बोनिल में कार्बन की संकरण संख्या कितनी हो जाएगी SP हो जाएगी, यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न, जो आपको अभी कल की क्लास में मैंने बताया है कौन सा अधिक अस्थाई है और कौन सा अधिक, दोनों प्रश्न देखिए 97 नंबर और 98 नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इस टाइप के प्रश्न मैंने करा दिए हैं, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है, तो इस टाइप से प्रश्न से आपको पता ही चल गया होगा कि प्रश्न जो है वो PPT से पूछे जा रहे हैं। अगली अभिक्रिया दी गई है RMgH+H2O, अब इसमें बताना है कि उत्पाद क्या बनेगा, तो इसमें उत्पाद बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी RMgSOH, आप रिएक्शन करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है तृतीयक एमीन का उदाहरण, तो तृतीयक एमीन का उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग आज BSc फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री यानी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कशन किया गया है, जिसमें आज हमने क्या किया 100 क्वेश्चनों को सॉल्व किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, और हमने समझा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि प्रश्न की प्रकृति एग्जाम में कैसे होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग अब, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपकी जो क्लास होती है डेली 8 बजे केमिस्ट्री यानी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की, उनमें आपको लगभग 4 चैप्टर के MCQ करवा दिए गए थे, 4 चैप्टरों के MCQ क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे, तो उसमें से लगभग से 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बल्कि अभी आपका 4 ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है और आपको इस प्रीवियस ईयर पेपर से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके मिल गए। तो आपको अब करना क्या है कि डेली क्लास को अटेंड करना है, MCQ मोड में क्लास आपकी कराई जा रही है, तो आप लोग क्लास रेगुलर करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको PDF मिल जाया करेगा और PDF का भी आप लोग डिस्कशन करिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया आज की इस क्लास के बारे में, आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात,
जो आप क्वेश्चन मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जितने लोग भी क्वेश्चन जो है वो करेंगे वो नोट करके रखेंगे और बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका इस पीपीटी से अटेम्प्ट हुआ, यानी इस पेपर से अटेम्प्ट हुआ, वो सारे क्वेश्चन आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कर करके कि कितना आंसर हमने सही किया है 100 क्वेश्चनों में, ठीक है। तो सब लोग बताने का प्रयास करेंगे और सबका आंसर मैं करूँगा और सबका जवाब यानी आंसर देने का प्रयास करूँगा सबके कमेंट का, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा और आप लोग से फिर से एक थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कॉपरेट करने का प्रयास करिए मित्र, और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादातर हो सके तो वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि जो आपके और दोस्त हैं, जो आपके और फ्रेंड्स हैं जिन तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाती है, उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके ताकि उनको भी इस प्रश्न की प्रकृति से अवगत हो सकें, ठीक है। दूसरी बात, जिनका ये पेपर हुआ होगा यानी आंसर की के मोड पे, ये आपकी आंसर की है तो आप अपने पेपर से अपनी आंसर की मैच कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी कोई दिक्कत होगी, अगर कोई क्वेश्चन आपको इसमें गलत लगता है आंसर, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है इसमें से 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन जिसका आंसर आपको गलत मिले, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन सेम मिलते थे तो इसलिए उसमें थोड़ा सा संदिग्ध लगता है, ठीक है। तब भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताते रहेंगे और आप लोग डेली क्लास अटेंड करिए। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का MCQ मोड में पेपर कराया जा रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए आपका जो पेपर है वो आप ये मानकर चलिए 80% आपका जो पेपर है यूपी बोर्ड वाले यूपी स्टेट के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबके बारे में बता रहा हूँ कि जो भी आपका पेपर है ये मानकर चलिए 80% ये आशा है कि आपका पेपर जो है MCQ मोड में होगा, ठीक है। और जहाँ पर MCQ मोड में चल रहा है पेपर तो उनके लिए बहुत ही अनिवार्य है आप लोग रेगुलर क्लास करिए, ठीक है। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।